खाना तैयार है? वाह, अरे वाह, खुशबू से तो ऐसा लगता है कि खाना बहुत अच्छा बना होगा। वैसे ये सब देख के मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होने वाली है। राहत, आपने अगर एक और बार ये गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड किया ना, तो मैं आपको बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे सच में बताइए कि कौन आ रहा है। गर्लफ्रेंड लो आगे। अगर कोई गर्लफ्रेंड निकली ना, तो मैं बता रही हूँ उसकी चटनी बना के मैं खुद ही खा जाऊंगी। आज मैंने उसकी चटनी नहीं बनाई ना, तो मेरा नाम भी आया नहीं। कैसी है? कैसी है तू? कैसी है? अरे तुम तो इसकी चटनी बनाने वाली थी ना। चलो अब मुझे भी मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने दो। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुझसे क्या कहूँ आया, पर अब तो फिक्र मत कर, क्योंकि अब तेरी एक नहीं दो दो बहनें। हाँ हाया, कभी भी जरूरत हो या कोई भी परेशानी हो, बस एक आवाज देना, हमारी दोनों बहनें आ जाएंगी फट से। सच में मुझे तो तुझसे माफी मांगनी चाहिए, इतना कुछ हो गया तेरी जिंदगी में और मुझे खबर तक नहीं थी। और एक वक्त था जब मैं साये की तरह तेरे साथ रहती थी, पता नहीं वो दिन कहाँ चले गए, क्योंकि अब तो मैं अपनी जिंदगी में इतनी उलझ के रह गई हूँ ना कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। सॉरी हया। आप दोनों हया की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, फैज अब हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है, और हया ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना, हमेशा उसके साथ। शुक्रिया राहत। ये वक्त शुक्रिया कहने का नहीं है, खाना खाने का है। अब आप तीनों आइए, खाना खाते हैं, वरना खाना ठंडा हो रहा है। राहत आप चलिए, मैं इन दोनों के साथ थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा सनम सुन, तेरी बातें सुनकर मुझे अचानक से याद आया कि कुछ ऐसा है जिससे तू अपनी मोहब्बत को फिर से हासिल कर सकती है। क्या सनम, तुझे याद है बड़ी अम्मी हमसे नीले चांद की रात के बारे में बातें किया करती थी? नीले चांद की रात? पता नहीं, मैंने वंस इन अ ब्लू मून तो सुना है, ये नीले चांद की रात। सर, जो तू कह रही है वो सही है, लोग उसे वंस इन अ ब्लू मून ही कहते हैं। मतलब देख, एक साल में 12 पूरे चांद की रात होती है। हाँ, लेकिन हर 10 साल में एक बार 13 पूरे चांद की रात होती है, और उस 13वें चांद को नीला चांद बुलाते हैं। आज रात ठीक 10 बजे जब चांद निकलेगा ना, वो हल्का सा नीला होगा, और कहते हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान से बेहद मोहब्बत करता है और उसे अपने हाथ की खीर खिलाता है उस चांद को देखते हुए, तो उन दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं होता। आहिल, मैं हया के यहाँ गई थी, उसने खास तौर पे आपके लिए बिरयानी भेजी है, खुद बनाई थी उसने।
अच्छी है। सुनो, हया ने भी तुम्हारी तरह अच्छा खाना बनाना सीख लिया। जी जी, मैं क्रीम लेकर आती हूँ। आया मुझे एक और बात बता रही थी। कैसी बात? वो कह रही थी कि आज नीले चांद की रात है और बहुत ही खास रात है क्योंकि 10 सालों में एक बार आती है। आज रात को चांद थोड़ा नीले रंग का हो जाएगा, तो वो कह रही थी कि अगर आज रात का चांद हम दोनों एक साथ मिलकर देखेंगे तो okay. ये किसका नंबर है? हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, आज नीले चांद की रात है हया, मोहब्बत करने वालों की रात। फिर तुम कैसे किसी और को खीर खिला सकती हो? आज तुम्हारे हाथ से खीर खाकर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। आज पता क्या है? नीले चांद की रात। हाँ, आज रात जब लड़की जब लड़के को हाथों से खीर खिलाती है तब उन दोनों के बीच में प्यार कभी खत्म नहीं होता। आपको भी पता था? आप भी मानते हो? मानता नहीं, जानता हूँ। लेकिन अगर आप मानते ही नहीं तो जानने से क्या मतलब है? वो क्या है ना कि मेरे टाइप के सीधे साधे दिखने वाले लड़के नहीं, बोरिंग नहीं है। काफी लड़कियां मरती है हमारे ऊपर। इधर देखना जरा, क्या बोला अभी? मेरे से पहले बहुत सारी लड़कियां खीर खिलाना चाहती थी आपको। मैंने ऐसा कब बोला? अगर आपने बोला नहीं तो मुझे कैसे पता चला? देखो, लड़कियों ने खीर खिलाने की कोशिश की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने खाया है। अफसोस हो रहा ना आपको? अब भी देर नहीं हुई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इंतजार कर रही हूँ कि अभी भी रिहान आएंगे और मेरे हाथों से खीर खाएंगे। मैं आज एक बात बोलूं अभी एक घंटे बाद भूल जाते हो। उसमें सालों पहले खीर खिलाने की बात बोली थी आपको, अब तक याद है? जा क्यों नहीं रहे? अभी यहाँ पे बैठे क्या मेरा मुंह देख रहे हो? जाओ ना, जाके खीर खा लो। जा रही हूँ मैं। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं क्यों सुनूं? जो खीर खिलाएगी वो बातें भी सुनेगी ना, उसी को सुनाना। बिरयानी भी वही खिलाएगी। ये क्या बात हुई? वो कुछ भी कहे तो मजाक है, मैं थोड़ा मजाक भी कर लेता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब जब तक खुद आके नहीं मनाएगी ना मुझे, मैं भी नहीं मानने वाला। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।